हाय, मैं शिखा शाह, मैं बनारस की ही रहने वाली हूँ। और 2016 में हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्क्रैपशाला को स्टार्ट किया, अपने घर से ही स्टार्ट किया था। और आज हमें 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हमसे 100 से ज़्यादा कारीगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लोकल, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और हमने 1,00,000 किलो से ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एक नई ज़िंदगी दिया है, नए प्रोडक्ट्स के रूप में। इसके पहले मैं अपनी पढ़ाई मैंने दिल्ली से की है, कॉलेज हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं टेरी में थी, वो भी न्यू दिल्ली में है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। उसके बाद मैंने रिलायंस फाउंडेशन में 2 साल जॉब की, ग्राउंड वर्क किया। और फिर मैं IIT मद्रास में थी, तो वहाँ पे मुझे एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी जर्नी समझ में आई। मैं वहाँ के इंक्यूबेशन सेल में थी। और साउथ इंडिया कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस है चीज़ों को लेकर, तो वहाँ पे भी मैं काफ़ी स्टार्टअप्स से मिली जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे थे। और बाहर की भी कुछ कंपनियाँ अमेरिका बेस्ड जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं अपसाइक्लिंग और वेस्ट मैनेजमेंट में, तो उन सब से इंस्पिरेशन मिला। प्लस मेरी जो खुद की मदर हैं वो काफ़ी कॉन्शियस रही हैं, मतलब हम बचपन से ही हमें वेस्ट को कम से कम फेंकना और उसका रीयूज़ करने को स्कूल से ही हमें समझाया गया था। और हर कंपटीशन में भी, स्कूल में हमारे कोई भी कंपटीशन या कार्यक्रम होता था उसमें भी हम हमेशा वेस्ट को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाते थे। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों से मिलकर इस संस्था का इंस्पिरेशन मिला। गवर्नमेंट को करना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान से बहुत लोगों ने प्रोजेक्ट्स उनको सबमिट किए हैं, उनसे फ़ंड भी उठाया है। अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमने वो नहीं किया है। तो ऑफ कोर्स आई वुड से कि सरकार को और सपोर्ट करना चाहिए फंडिंग, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को जगह की कमी रहती है तो उन्हें खाली जगह देकर जहाँ पे वो अपना काम कर सकें। बट ओवरऑल आई वुड से कि गवर्नमेंट ने, BJP गवर्नमेंट ने, या करंट जो हमारी रनिंग गवर्नमेंट में लोग इन्वॉल्व, उन्होंने काफ़ी काम किया है स्वच्छता पे। क्योंकि आई थिंक 5 साल पहले तो कोई बात भी नहीं करता था वेस्ट मैनेजमेंट की या स्वच्छता की, तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है। बट डेफिनेटली और काम की ज़रूरत है। एक तो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कुछ फंड्स दे सकते हैं, अगर वो फंड्स नहीं दे सकते तो उनको वो अपने नगर निगम या जो भी शहर में खाली जगह होते हैं कुछ जगह प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो भी करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम जो गवर्नमेंट मीटिंग्स में या गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंसेस में गिफ्टिंग होती है उसमें प्लास्टिक की मूर्तियों की जगह या MDF के बने हुए बड़े बड़े मूर्तियों या फ़ोटो फ्रेम जो बने होते हैं सिंथेटिक मटेरियल से, उसकी जगह कुछ यूज़फुल चीज़ें दे सकते हैं जो कि वेस्ट से बनी हुई हैं और काफ़ी यूज़फुल हैं। जैसे अब हमारे प्रोडक्ट्स की आप बात करो तो हम डायरीज़ बनाते हैं प्लास्टिक वेस्ट से, टोट बैग्स बनाते हैं, लैपटॉप बैग्स बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब आप गिफ्ट की तरह दूसरों को देते हो तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट करती है, प्लस जिनको वो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनके लिए भी वो बहुत अच्छा यूज़फुल चीज़ हो जाती है। अदरवाइज़ हम सब परेशान हो जाते हैं, जिनको बहुत अवार्ड्स मिलते हैं कितने अवार्ड्स आप घर में इकट्ठा करोगे। तो आई थिंक ये 3 बेसिक स्टेप्स है जिससे गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हों चाहे नॉर्मल प्रोडक्ट्स हों, उनको प्रमोट करना बहुत टफ होता है। और जब आपके प्रोडक्ट्स का प्राइस मार्केट से थोड़ा ऊपर हो तो और टफ हो जाता है, क्योंकि कस्टमर हमेशा ऐसी चीज़ें चाहता है जो उनके पॉकेट, जो करंट पॉकेट एक्सपेंस है उससे ज़्यादा बढ़े ना। बट क्योंकि आपका प्रोडक्शन कम है, आप छोटे छोटे बैचेस में चीज़ें बना रहे हो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा है, आर्टिसन की कॉस्ट ज़्यादा है, तो इनके प्राइजेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसमें अगर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी कर दे या जैसे वो GST हटा दे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता। बताया कि हमने 1,00,000 किलो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को लैंडफिल से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया है। तो मैं एक प्रोडक्ट का एग्जांपल देके बताऊंगी, जैसे हमारे टायर ट्यूब से बने हुए सनग्लास कवर्स हैं, तो एक टायर ट्यूब से हम 3 सनग्लास केस बनाते हैं। तो ये टायर ट्यूब अभी लैंडफिल्स में पड़ी रहती है या इनको जलाया जाता है, तो इसको जब हमने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जो कि इंसान 5 से 10 साल इस्तेमाल करेगा, तो हमने एक टायर ट्यूब को 3 सनग्लास केस के रूप में 10 साल की नई ज़िंदगी दे दी। तो आप सोचो कि अगर हम 1,00,000 सनग्लास केस बनाते हैं तो हम कितने ज़्यादा टायर ट्यूब को, 30,000 टायर ट्यूब को हम लैंडफिल में जाने से बचा सकते हैं। तो इसी तरीके से चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे कि हमने जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक रैपर होते हैं, चाहे वो चिप्स के पैकेट हों या कोई भी हमारे घर में खाने पीने की सामग्री के रैपर्स होते हैं,
उसको हम हैंडलूम से टेक्सटाइल बनाकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो एक छोटे प्रोडक्ट की मैं बात करूं, अगर लैपटॉप बैग है तो एक लैपटॉप बैग में अराउंड 200 ग्राम या 300 ग्राम प्लास्टिक का रैपर कंज्यूम हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम इतने लैपटॉप्स बनाएं तो कितना हम प्लास्टिक रैपर को बचा सकते हैं कचरे में डालने से, या वो जानवर खाते हैं जो रोड पे प्लास्टिक रैपर्स। तो इससे इसका पूरा एक एंड टू एंड सोल्यूशन हो सकता है कि जब आप घर पे प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हो तो आप उसको एक साफ़ सुथरे तरीके से घर पे जमा करते रहो, फिर वो प्लास्टिक का रैपर्स आप एक संस्था को दो, हमारी जैसी संस्था को जो उस पे काम करती है, फिर उसके प्रोडक्ट्स बने। और गवर्नमेंट चाहे तो उन प्रोडक्ट्स को बहुत सपोर्ट कर सकती है अपनी खुद की गिफ्टिंग के लिए, या कुछ स्कीम्स लगा के, या फिर उनको नगर निगम में एक छोटा सा जगह दे दे जहाँ पे लोग आके उनको देख सकें, खरीद सकें, या एयरपोर्ट होते हैं हर शहर में, एयरपोर्ट भी हमें काफ़ी सपोर्ट कर सकता है ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में, हमें ला के दे सकते हो। अभी तो हमारी संस्था दो ही शहरों में, दिल्ली और बनारस, जब हम और शहरों में फैलेंगे तब हम उसके लिए एक ऐप बना देंगे, बट अभी तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू फ़ोटोज़ भेज सकते हो कि आपके पास ये स्क्रैप है, वो आप डोनेट भी कर सकते हो, कई बार हम उसे ख़रीद भी लेते हैं, तो उसको आप हमसे डायरेक्टली हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि आपके पास ये चीज़ें हैं और हम इन्हें बेचना चाहते हैं या डोनेट करना चाहते हैं, तो उससे हमारी टीम आपको बता देगी कि किस अवस्था में आपको उस सामग्री को हमें देना है और कितने पैसे आपको उसके रिटर्न में मिल सकते हैं। तो एज सच आई थिंक वुमेन जो पेट्रियार्की जिसको कहते हैं या जेंडर इक्वालिटी करते हैं, वो तो दुनिया में हर लड़की फेस करती है जब से उसका जन्म होता है, और जब तक वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए तब तक वो फेस चलता ही रहता है। तो आई थिंक हर लड़की में, हर महिला में एक अंदर से खुद ही इंस्पिरेशन रहता है कि मुझे इससे बाहर निकलना है या मुझे भी कुछ करना है। तो अगर आपको राइट एक्सपोजर मिले और राइट सपोर्ट सिस्टम मिले तो आप कर सकते हो। तो और अब तो दुनिया बहुत चेंज भी हो गई है, तो आई वुड से कि आज के ज़माने में सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 50% फीमेल फोर्स 50% मेल वर्क फोर्स रखती हैं, या बहुत सारी पिछड़ी हुई कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करती हैं। तो आई थिंक आज के दिन में ज़्यादा टफ नहीं है ये काम करना, और बाकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, जिसके थ्रू आप अपनी आवाज़ बिना जेंडर देखे कि आप एक पुरुष हो, एक महिला हो या एक ट्रांसजेंडर हो, आप अपनी आवाज़ उसी तेज़ी से लोगों तक पहुंचा सकते हो। हर फीमेल को फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। आप ज़िंदगी में जब तक फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तब तक आप डिसीजन मेकर नहीं बनते हो अपने घर के या अपने समाज के या अपनी संस्था के। तो आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गिव्स यू फ्रीडम टू मेक डिसीजंस, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर महिला के लिए कि आप उतना कमाओ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप अपने पैरों पे खड़े हो, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। तो आई वुड से आप गांव में हो, शहर में हो, आप कहीं भी हो, आप इतना अपने खर्चे निकाल लो महीने के कि मेरे इतने खर्चे हैं, और फिर उस पर वर्क करो कि मेरा महीने का खर्चा 10,000 रुपये, तो इस 10,000 को कमाने के लिए मैं क्या काम कर सकती हूँ। तो आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरी नज़र से सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा अगर ये सारी महिलाएं अचीव कर सकें। तो आई वुड जस्ट से दैट, एंड ऑफ कोर्स आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, फीमेल हाइजीन भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो काम से पहले आपको स्वस्थ होना, फिट होना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा पैसे ना कमा रहे हो लेकिन आप काम ऐसा कर रहे हो जिससे आप सोसाइटी पे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, लोगों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, तो आई थिंक दैट इज़ वंडरफुल एंड समथिंग विच कैन सेव द नेचर। आई थिंक किसको नहीं सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो काम करके। और कोविड के बाद हम सभी ने समझ लिया है कि नेचर से बड़ा कोई हमारे पास एसेट नहीं है, कोई जायदाद नहीं है। तो आई थिंक उसके लिए, नेचर के लिए आप कुछ भी कर पाओ उसको बचाने के लिए, आपका खुद का ही फ़ायदा है। अगर आप दुनिया का, नेचर का फ़ायदा हटा भी दो तो अगर आप अपना पर्यावरण साफ रखोगे तो वो आप ही को काम आएगा। कोई भी नहीं चाहता कि प्लास्टिक से भरे पहाड़ों पे जाओ आप, या प्लास्टिक बॉटलों से भरी नदियों में आप स्विमिंग करो, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। तो अब हमें ही इसका खुद ही निवारण निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉल्यूशन है या जो माइंडलेस ट्रैशिंग है ये सब भी हम ही लोग ने की है। तो आई वुड से कि
नेचर से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए ग्रेटिफिकेशन खुद में ही है, क्योंकि आपका काम आपको बहुत खुशी देता है।